तुम चाहते हो सफल होना एक असफल व्यक्ति से, तो कैसे हुआ जाए? बात तो यह है कि कोई चीज कैसे की जाए। हर व्यक्ति चाहता है, ना सिर्फ विनोद चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है सफल होना। तो सफल होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी कि असफल व्यक्ति सफल हो जाए। बहुत सिंपल सी बात है, असफल व्यक्ति क्रिटिसाइज करता है, क्रिटिसाइज सब व्यक्ति की आलोचना करना, आलोचना उसे बदनाम करना, उसके ऊपर एलिगेशन लगाना कभी आपकी सफलता का साधन नहीं हो सकता। इसको काटो, क्रिटिसाइज जिंदगी में इसको काटो, क्रिटिसाइज को आपको काट देना है जिंदगी में। कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करनी, किसी की भी क्रिटिसाइज नहीं करनी, आलोचना नहीं करनी। जो व्यक्ति किसी की आलोचना करेगा वो खुद कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो वो व्यक्ति भी हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, एक युद्ध चलेगा। युद्ध में किसी की जीत या हार नहीं होती, कोई या कोई खात्मा नहीं होता, शांति से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो इसकी जगह पे हमने शुरुआत करनी है कॉम्प्लीमेंट्स। प्रशंसा करें, मुबारकबाद दें, थैंक्स दें, कंग्रेचुलेशंस दें लोगों को। उनकी कामयाबी के ऊपर हमें मुबारकबाद देनी है। अगर हम उसकी आलोचना करने लग जाएंगे तो वो व्यक्ति हमारे खिलाफ हो जाएगा, जबकि हम उसकी कॉम्प्लीमेंट्स करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे, उसको मुबारकबाद देंगे, तो वो हमारी फ्री में हेल्प करेगा। एक व्यक्ति की फ्री में हेल्प मिल जाए तो जिंदगी बन सकती है फ्री में। तो ये चीजें हमने सीखनी है। अब आ जाइए दूसरी बात पे। दूसरी बात, जिंदगी में हर व्यक्ति दो तरह से सोचता है। यह है मिस्टर ए, ये कैसे सोचते हैं, और ये है मिस्टर बी। ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए इस तरह से है और मिस्टर बी इस तरह से है। व्यक्ति ये भी है, व्यक्ति ये भी है। ये है आंखें बंद करके हर उस व्यक्ति का आभार प्रकट करता है जिसने उसको सहयोग दिया। इसे कहते हैं हैव सेंस, हैव सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड कि आप में एक सेंस होनी चाहिए हर व्यक्ति का आभार प्रकट करने की। आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, जिसने आपको सहयोग दिया उसका आप धन्यवाद दीजिए, थैंक्स दीजिए, बहुत बहुत नतमस्तक हो जाइए उनके के जिन्होंने आपको सपोर्ट दी। इसके बदले में आपको मिलेगी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा आशीर्वाद, आपको तरक्की करने के लिए बहुत सारा पावर। एक व्यक्ति जो ये कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो उसके कारण हुआ, किसी ने कोई सपोर्ट नहीं की, इसे कहते हैं हैव सेंस, हैव सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। इसका मतलब मैंने जो किया वो अपने बल पे किया, अपनी ताकत पे किया, ये घमंड का सूचक है। भगवान ने तब भी हमें भोजन दिया जब हम कमाते नहीं थे, जब हम पैदा हुए थे, जब हमने चलना भी नहीं सीखा था, तो परमात्मा ने हमारी सपोर्ट की है। तो हर हालत में परमात्मा का धन्यवाद तो बनता ही है, उस टीचर का धन्यवाद बनता है जिसने हमें ABC सिखाई, जिसने 1 2 3 गिनना सिखाया, जिसके बल पे हम कुछ कमाना सीखे,
तो हर उस व्यक्ति का इतने पास साइंटिस्ट हुए जिसने जितने जिसने हमें वो हथियार दिए जिससे हम तरक्की कर सकें, तो ये व्यक्ति उसका धन्यवाद नहीं करता। तो वो मास्टर्स उनको श्राप नहीं देंगे, बल्कि जो नेचर है ना एक श्राप देगी, वो कभी जिंदगी में ऊपर नहीं उठेगा, एकदम नीचे गिरेगा। तो ऐसा व्यक्ति हमें नहीं बनना, हमें हर हालत में इससे बदल कर ये व्यक्ति बनना है। Have a sense of gratitude, not a have a sense of entitlement. अब मिस्टर ए और मिस्टर बी की बात चल रही है, जो मिस्टर ए है वो एक टारगेट रखता है, एक गोल सेट करता है कि मैंने अपना टारगेट इस बिंदु पे लगाना है। और यह व्यक्ति मिस्टर बी, इसके अलग अलग टारगेट हैं, जिंदगी में कुछ भी फिक्स नहीं है। मैं शादी भी कर लूं, मैं कार भी खरीद लूं, मैं बंगला भी खरीद लूं, मैं लाख रुपए कमा भी लूं, ये उसके अलग अलग ड्रीम्स हैं पर टारगेट नहीं है। ये व्यक्ति कहता है कुछ भी हो जाए एक साल में मैं अपनी इनकम डबल कर लूंगा, सिर्फ यही मेरा टारगेट है, डबल डबल ये इसका टारगेट है। तो ये अचीव करेगा क्योंकि नेचर जो है इसकी सपोर्ट करेगी, इसके लिए वो मेहनत करेगी नेचर। ये नहीं सोचता कि नेचर कैसे करेगी, ये नहीं सोचता, पर नेचर इसके लिए पूरी सपोर्ट देगी, इसको पूरा सपोर्ट इसके लिए करेगी काम। और ये व्यक्ति जिसका टारगेट नहीं है, जो नेचर को कुछ दे कहता ही नहीं, कुछ डिमांड ही नहीं करता, तो नेचर क्या वापस करेगी? कौन सी फ्रिक्वेंसी से उसको वो चीज दिखाएगी जो वो चाहता ही नहीं है? इसके ड्रीम्स तो अलग हैं, बेअंत हैं, पर कोई टारगेट नहीं है। तो ये सेट ए गोल करता है, सेट ए गोल, इसलिए जिंदगी में सक्सेस होगा, असफल होते हुए भी एक दिन सफलता को प्राप्त करेगा। और ये व्यक्ति जो आज भी असफल है, जिंदगी भर असफल ही रहेगा, क्योंकि नेवर सेट ए गोल, नेवर इज सेट ऑफ गोल, सेट ए गोल। अब हम आगे चलते हैं, एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी का। मिस्टर ए है जो चाहे असफल है, चाहे सफल है, पर उसकी सफलता का राज एक ही है कि ये शेयर ऑफ हिज नॉलेज, ये अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, अपने एजुकेशन को शेयर करता है, लोगों को बताता है कि मेरे पास ये क्वालिटी है और यह मैं कर सकता हूं, उनको बताता है कि ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे किया जाता है, डेली बताता है। तो उसके बताने से उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, उसमें जो क्वालिटी है वो निखर के आती है। मिस्टर बी, ये मिस्टर बी ये चाहता है कि कलेक्ट करो, उसको हॉर्ड कर दो, होल्ड दैट नॉलेज, ये गोदाम बनाना चाहता है, उसमें इकट्ठा करके अपनी नॉलेज को रख देना चाहता है, एक सजा के रख देना चाहता है, उसके ऊपर ताला लगा देना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति कभी जिंदगी में सफल नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान का भी एक नियम है, ज्ञान बांटने से बढ़ जाता है, कोई डाकू चोर इसको उठा नहीं सकता, बट जो इसको इकट्ठा करके बंद करके रख देता है उसका ज्ञान खत्म हो जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति उस ज्ञान को भूल जाता है। इसलिए जिंदगी में हमने मिस्टर ए बनना है, मिस्टर ए, मिस्टर बी की तरफ देखना भी नहीं, ज्ञान बांटिए, जितना आपके पास है ज्ञान वो बांटिए, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिंदगी सफलता की तरफ जाती रहेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।